मैडे पीएमसी दमोडी नारवा दमोडी और मैदान के पूर्वी सी है जिनमें पहला प्राइज जाकर को 20,000 का इनाम के साथ साथ खसी और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया जाएगा। सेकेंड प्राइज के लिए 15,000 का इनाम राशि खसी और ट्रॉफी है। थर्ड प्राइज के लिए 16,000 की इनामी राशि, फोर्थ प्राइज के लिए 16,000 की इनामी राशि है। जो जंगल का पाटा कसी भी लेकर उनके अंदर सिर्फ बहुत कसी करने के छठा नंबर का मैच है नौरा पहाड़ और बीएसकेएम से डबापानी का मैच, इसके बाद हो गया लोग रेडी में रहेंगे। तो आप सेकेंड राउंड के बाद अब तीन टीम बचेंगे ग्रुप ए में से, जो सेकेंड राउंड का मैच के लिए ग्रुप ए में से तीन टीम बचा हुआ एबीसी जूनियर कृष्णव्रत से लोहाडी और एजीएस गोड़ा। पर नैतिक अपनाएंगे ये एक बड़ी बात है। कोई भी प्रोग्राम होता है दर्शकों के सहयोग जब तक नहीं मिलेंगे तब तक प्रोग्राम को पार करना दिक्कत होती है। इसलिए एक कमेटी के लिए दर्शक का बहुत बड़ी योगदान रहता है।
सामने खुद इस गलती को सुधारे। टीम की अगर बात की जाए तो पहला राउंड 20 से जीते थे, एक पॉइंट मिला था। सेकेंड राउंड 2 से जीते, 3 पॉइंट मिला। टोटल उनका भी 4 पॉइंट हो रही, यानी तीन टीम का 4-4 पॉइंट हो रही। तो अब हम लोग गोल स्कोर को देख रहे हैं, गोल एवरेज को देख रहे हैं। तो अब इसी जूनियर तो इसी तरह एजीएससी गोलकोला को बाय मिल रही है और एबीसी जूनियर और कुशपुर सलवाड़ी को खेलना पड़ेगा थर्ड राउंड का मैच। इसमें दूसरी तीनों टीम का कप्तान या मैनेजर को कोई डाउट है, कोई संदेह है तो फटाफट कमेटी मित्रों के संपर्क बना सकते हैं। टीम के कप्तान या मैनेजर आप कमेटी मंच में आएंगे, एजीएस गोड़गड़े टीम के कप्तान या मैनेजर आप भी कमेटी मंच में आएंगे, साथ ही साथ एबीसी जूनियर टीम के कप्तान या मैनेजर आप भी अभी हमारे कमेटी मंच में आएंगे। आपका पॉइंट और गोल स्कोर बता देंगे। डी ग्रुप में से भी तीन टीम बचेंगे। बहुत अच्छा मौका था, एरियल बोल को टाइमिंग नहीं कर पाए यहां पर कलापत्थर टीम की खिलाड़ी। अगर बात की जाए तो टीम मैनेजर का नाम तो यहां पर नहीं लिखा गया, क्लब की ओर से शायद टीम का नामांकन किया होगा। और एक ही गांव की खिलाड़ी टीम में खेल रहे हैं, सीनियर खिलाड़ी दो है और बांग्लादेश से भी जूनियर खिलाड़ी है और अब तक अच्छा खेल को खेल रहे हैं। पंद्रह राउंड में 2 से जीते, सेकेंड राउंड अब तक एक मजबूत दल कलापत्थर को बराबर का टक्कर देता हुआ। कलापत्थर टीम ने छोटू जैसे धारदार खिलाड़ी टीम के साथ जुड़े मिडफील्ड में फरार हम प्लेस संजय मजिद है, जामनगर के जैसे में डॉमिनेट टीम के लिए सुधीर हेमराम है, अपने ओवर रेंज में तीन नंबर के डिफेंडर है। ऑलराउंडर प्लेयर का अपना मौका, यहां पर मौका बन सकता है अच्छी कटिंग के, तीन तीन खिलाड़ी को कटिंग करके बॉल का लगा लगता है तो फाउल हो चुका पर कामोडी टीम के लिए। सॉल लेकिन 10 नंबर की खिलाड़ी अमीर मुर्मू का बेहतर बचाव मिलता है। 10 नंबर खिलाड़ी बन जाने का नाम रिसीविंग अड़ी बेस्ट की रिसीविंग का खेल नपा के खेल करना और फुटबॉल का ट्रेनिंग कैंप रहे ट्रेनिंग की नियम अतुड़ा रहे अड़गन टीम दबल बना मन करना कोच लेकर थे टीचर लगी दबल लेते थे कोच ना व्यवस्था अड़ी लगती है ना तना बूरमा बुद्धि के कम को खेला खिलाड़ी तबन और बुद्धि हमारा दाड़े चाबा लगे जे दाड़े उत्तर बेस जदि बुद्धि नामा तो खिलाड़ी लगे नपाय गोलकीपर लगे नपाय बहुत अच्छी कटिंग पर रहे पंडू मासी के द्वारा लेकिन बेहतर बचाव करते हैं डिफेंस लाइन के खिलाड़ी। दुर्गा मासी का प्रयास कोशिश अच्छा था, प्रहार किया गोल पोस्ट में बोलाएंगे, अगर गोल पोस्ट में बोल आते तो कहीं ना कहीं चला पाते के ग्रुप देने से जूनियर एबीसी जूनियर एजीएस गोड़गोड़ा जो माइक के माध्यम से हम ये जानकारी दी, इसमें अगर कोई डाउट है तो कमेटी मंच में आप आकर संपर्क बना सकते हैं।
पॉइंट जिनके कप्तान से भी निवेदन है, ज्ञान जी आप अपना खिलाड़ी को अगले नंबर टेक्निकल जोन में पहुंचा देंगे।